हेलो गाइस, मैं हूं कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियर डिजाइनिंग फॉर्म के पे फार्म से। आज मैं आपको टॉपकॉन ES105 के मुताबिक बताऊंगा कि आप इसके अंदर रिसेक्शन को कैसे कर सकते हैं, क्या इसका मेथड है और क्या इसका तरीकाकार और उसका प्रोसेस के मुताबिक पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा। मेरे साथ ही रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने टॉपकॉन ES105 नंबर का, ये हमारे पास टोटल सेशन है। इसकी मदद से अभी हम रिसेक्शन के प्रोसेस को सीखेंगे कि हमने रिसेक्शन को कैसे करना है। तो रिसेक्शन के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि रिसेक्शन क्यों की जाती है, रिसेक्शन क्या है। तो रिसेक्शन हम उस लिए करते हैं कि हमारे पास कुछ मखसूस पॉइंट्स की मखसूस जगह आ जाती हैं, जिसकी मदद से हम टोर्सेशन अपने मेन पॉइंट्स के ऊपर लगा के उनकी लेयर्स वगैरह को नहीं कर सकते। उसके लिए हमें पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ता है। पॉइंट शिफ्टिंग का थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, तो वो उस प्रोसेस से और उस टाइम को बचाने के लिए हम टोर्सेशन के अंदर रिसेक्शन वाला ऑप्शन को यूज़ करके उसकी बेयरिंग वगैरह को उन दो पॉइंट्स की मदद से, दो कंट्रोल पॉइंट्स जो हमारे पास गिवन होते हैं उसकी मदद से हम अपने बेयरिंग को इधर एडजस्ट कर लेते हैं, जो जिधर हमने लेआउट करनी होती है उसके नज़दीक तीन पॉइंट्स के ऊपर, के हमें उधर से सारे पॉइंट्स जो हम लेआउट करना चाहते हैं वो सारे के सारे हमें नज़र आएँ और हमें पता चल सके कि हमने उसके जो पॉइंट्स लगा रहे हैं वो ठीक हैं या गलत हैं। तो इसीलिए रिसेक्शन को नज़दीक तीन पॉइंट्स के ऊपर सेट करने के लिए की जाती है, जिसकी मदद से हम इसको लेआउट कर लें। तो रिसेक्शन जब हम उसके लिए इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं तो उसके लिए हमें नीचे कोई पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट हमने दूसरे रोटेशन को उसके बबल को सेट करना होता है। उसके सेंटरिंग नहीं करनी, उसके बबल को जैसे सेट करेंगे और सेट करने के बाद जो दो पॉइंट्स हमारे पास कंट्रोल मेन पॉइंट्स हमारे हैं, दो पॉइंट्स हमारे पास मस्ट होने चाहिए जिनकी मदद से हम इसकी रिसेक्शन को इधर से करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इधर से ये इसका बबल हमने कर दिया है टॉपकॉन ES107 का। इधर से उसको करने के बाद आपने इसको इधर से ओके कर देना है। तो उसके बाद अगर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपने इधर से उसके बबल को सेट कर लेना है और करने के बाद इसको एक्स और वाई को जरूर जरूर करने के बाद ओके कर देना है। ओके करेंगे तो ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट आपका बबल हो चुका है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने इधर ऑन करके इसके लॉक कर देना है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि आपके सामने दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये हमारे पास इधर दोनों पॉइंट्स होंगे। इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम इसकी रिसेक्शन को करेंगे, इसका पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले आपने इधर से कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आ जाना है। कोऑर्डिनेट्स का ये सबसे पहला पेज होएगा, आप इधर से पेज वन के ऊपर आते हैं तो इधर से कोड COORD इसको आपने इधर से प्रेस कर देना है। आप OCC ओरिन के अंदर चले जाएँगे, उसको आपने क्लिक कर देना तो ये साइड के ऊपर आपको रिसेक्शन वाला ऑप्शन नज़र आएगा, आपने उसको क्लिक कर देना है। इधर NEZ और एलिवेशन के दो किस्म के आपको सामने इधर ऑप्शन आएंगे, तो अभी हमने NEZ करना है तो आपने इधर से NEZ को प्रेस कर देना है। तो ये आप देखेंगे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि रिसेक्शन PT1 पॉइंट। तो आपने इंस्ट्रूमेंट जो आपका प्रिज्म मेन होएगा उसको आपने सबसे पहले पॉइंट के ऊपर, जो आपके पास कंट्रोल पॉइंट पहला कंट्रोल पॉइंट होएगा उसके ऊपर आपने उसको भेज देना है। ए और बी के ऊपर आप किसी पॉइंट के ऊपर भी उसको भेज सकते हैं, अगर आपके पास दो इंस्ट्रूमेंट हैं तो आप दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। तो आपने इधर से इंस्ट्रूमेंट को इधर से सेट करना है और सेट करने के बाद मींस के बटन को इधर से आपने क्लिक कर देना है। तो ये ऊपर आपको इसका डिस्टेंस वगैरह बताएगा, यस और नो पूछेगा। आप इसको एक दफ़ा मजीद मींस वाले बटन को इधर से क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद इधर से उसको यस कर दें। यस करेंगे तो ये आपके सामने पूछेगा कि जो सा पॉइंट आपने अभी ऑब्जर्व किया है उसके इधर से जो नार्दिंग और इस्चिंग है वो आप इधर से उसकी वैल्यू को इधर इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंटर कर दें। तो ये आप देख सकते हैं हमारे सामने पॉइंट ए उसकी वैल्यू है, तो ये आपने उसकी वैल्यू इन्हीं के आगे इस्चिंग के आगे इस्चिंग और नार्थिंग के आगे नार्थिंग की वैल्यू को इधर से इंटर करना है। इसी तरीके से जिस तरह मैं आपको इधर वीडियो के अंदर बता रहा हूं, तो आपने सेम टू सेम यही प्रोसेस करते हुए पहले इसकी नार्थिंग को इंटर कर देना, उसके बाद आपने इसकी इस्चिंग की वैल्यू को इधर से इंटर कर देना। या आप मीटर्स में काम कर रहे हैं या फीट्स में, यानी कि मैट्रिक या US सिस्टम के अंदर, तो सेम टू सेम इसका सबका एक ही प्रोसेस होएगा। आपने इसी तरीके से एंटर करना है इसके पॉइंट्स को सेम टू सेम जो आपके ऊपर लिखे हुए हैं, और उसके बाद आपने इधर से नेक्स्ट वाले बटन को इधर से क्लिक कर देना है। टोर्सेशन के ऊपर नेक्स्ट वाले बटन को क्लिक करने के बाद आपने प्रिज्म मैन को जो आपके पास है आपने उसको मूव करा देना है सेकेंड पॉइंट के ऊपर, जो आपके पास दूसरा कंट्रोल पॉइंट होएगा उसके ऊपर आपने अपने प्रिज्म मैन को इधर से मूव करा देना है। और मूव कराने के बाद वो आपसे इसी तरीके से सबसे पहले आपने उसको ऑब्जर्व करना है PT2 को, और उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट्स को आपने इंटर करना है।
आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल के अंदर और भी आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव सर्विंग के मुतालिक सारी काफ़ी सारी वीडियोस डिटेल के अंदर मिल जाएंगी। अभी सेकंड पॉइंट के ऊपर हमने प्रिज्म मैन को इधर से मूव करा दिया है। प्रिज्म को बबल करने के बाद आपने अपना टॉर्च स्टेशन को उसकी आई वैन को इधर आपने प्रिज्म के ऊपर सेट कर देना है और उसको लॉक कर देना है। इसी तरीके से लॉक करने के बाद आपने इधर से उसको मीन्स वाले बटन को इधर से दोबारा क्लिक करना है और ये आपसे सेकंड टीपी के मतलब आपको बताएगा। ऊपर इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी सारी। उसके बाद आपने इसको एक दफ़ा क्रॉस चेक करने के लिए दोबारा कर देना है और उसके बाद आपने इसको यस करना है। जैसे यस करेंगे तो ये आपके सामने सेकंड टीपी या सेकंड कंट्रोल पॉइंट पॉइंट बी का जो वैल्यू है नार्थिंग और ईस्टिंग वो आपने इसके अंदर इंटर कर देनी है इसी तरीके से जिस तरह आपने पॉइंट ए की थी। तो ये आपने वैल्यू इसी तरीके से सेम टू सेम इंटर करनी है। थ्री डिजिट्स के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी आपने इधर से उसके अंदर इंटर करनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि टॉपकॉन ES105 का भी सेम टू सेम वही प्रोसेस है जो सोकिया के अंदर मेरी पहले वीडियो बनी हुई है। तो सिर्फ माइनर से कोई इसके फंक्शन का डिफरेंट होता है, थोड़ा सा थोड़ा होता है, तो बाकी ये सारा का सारा फॉर्मेट सबके अंदर सेम टू सेम है। करने के बाद आपने जैसे कैलकुलेशन वाले बटन को आपने जैसे प्रेस कर देना है तो ये आपके सामने कैलकुलेशन कर देगा। जिधर आपका पॉइंट सेट आएगा नीचे इधर पॉइंट नहीं लगा हुआ आपका, लेकिन ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आए हैं ये आपके इंस्ट्रूमेंट जिधर लगा हुआ है ये उसके एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए हैं। आपने इसको जैसे ओके कर देना है और आपसे पास वो पूछेगा कि आपने इसकी अजीमत बैरिंग को एडजस्ट कर देना है, सेट कर देना है। आपने सेट वाले बटन को जैसे क्लिक करके उसके बाद ओके वाले बटन को आपने जैसे प्रेस कर देना है। तो ये भी हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है ये हमारा ऑब्जर्व हो गया है, इसकी बेयरिंग अजीमत वगैरह इधर से सेट हो गई है। अभी आपने पॉइंट को चेक करना है तो आप किसी भी पॉइंट को अपने कंट्रोल पॉइंट को इधर से चेक कर सकते हैं। आपने ऑब्जर्वेशन के अंदर आना है और मीन्स वाले बटन को आप इधर से प्रेस कर दें तो ये आप देखेंगे हमारे पास जो पॉइंट बी के इधर बुक के अंदर लेवल बुक के अंदर जो आपको कोऑर्डिनेट्स नज़र आ रहे हैं वो सेम टू सेम इसी यही हैं जो कि हमारे पास उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। तो उसका मतलब है कि ये हमारी जो बेयरिंग वगैरह है ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो आपने इसी तरीके से यही प्रोसेस करते हुए आपने रिसेक्शन के अमल को दोहराना है और रिसेक्शन वगैरह आप इस तरीके से कर सकते हैं। रिसेक्शन करने के बाद आप देखेंगे नीचे आपके हॉरिजॉन्टल बेयरिंग वगैरह आपके जो कोऑर्डिनेट्स दोनों टीपी पॉइंट के साथ जो हमारा इंस्ट्रूमेंट जिस ऊपर सेट हुआ हुआ था उधर से उसकी बेयरिंग वगैरह इधर से मुकम्मल एडजस्ट हो गई है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था टॉपकॉन ES105 के ऊपर काम करने का। तो आप इस तरीके से रिसेक्शन वगैरह कर सकते हैं और अपने इधर से जो भी अभी नज़दीक तरीन हमने इधर लेआउट वगैरह करनी है वो सारी लेआउट हम इधर से उसको कर सकते हैं। तो आपने इस तरह रिसेक्शन करना है। रिसेक्शन करने के बाद इधर से आपने जो भी लेआउट्स करनी है उसको उसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं, बेयरिंग डिस्टेंस है, एसओ डेटा है। ये मैंने आपको कंप्लीट टॉपकॉन ES105 के ऊपर रिसेक्शन का तरीकाकार बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये तरीकाकार आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको इस किस्म की मज़ीद वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।